बुआ और फुपा जी मिले हैं आप। घूमते घूमते मेरे को अब जब जो है गर्मी महसूस होने लगी ना, कह रहा दोस्तों आप भी आओ कभी। ओके बाय बाय। फुपा जी को फोन मिलाता हूँ। नमस्कार। तो जय हो, हमारे वहाँ आ रहे हो? हाँ ऊपर को आ रहे हैं। आप भी हमारे वहाँ आ जाओ। वाह आप तैयार हो ऐसे? हैं? हम बाहर बुलाएंगे आपको। हाँ मतलब गेट में तो आ जाओगे यहाँ पे? हाँ हाँ फिर यहाँ से आपको वहाँ को घूमने चलेंगे ऊपर को। आओ क्या? हाँ गेट में आओ फिर। ठीक है नमस्कार। तो जय हो, नमस्कार। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, बुआ फुआ जी में मिल गए हैं। अब हम अपना आगे का मॉर्निंग वॉक यहाँ से बुआ फुआ जी का शुरू करते हैं। क्यों फुआ जी? हाँ हाँ तो चलते हैं ऊपर ही को चलते हैं फिर। बिल्कुल तो वहाँ को आनंद कुछ और आएगा। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे? ना ना ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। क्यों? भाग भाग हो रही है, कोई कैसा बच्चे पकड़ लिए हैं। भाग भाग हो रही है ऊपर को? कहाँ पर है? अच्छा सारी कॉलोनी में, घर के बगल में। दोस्तों यहाँ पर हमारे पप्पू दा का प्लॉट है जो टीचर हैं, तो हम प्लॉट अभी आते वक्त आपको दिखाएंगे। क्यों रे खूब हो रहा है बागर से अपन? दोस्तों अब हम बहुत ऊंचाई में पहुंच चुके हैं, सीताराम आश्रम। बहुत ही सुंदर आश्रम है, कह रही है पीछे से बुआ और फुफा जी बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे से बहुत बढ़िया आश्रम है। तो अभी देखते हैं, गौरव भैया जॉगिंग करने में शर्मा रहे हैं, कारण पता नहीं। तो देखते हैं आगे आश्रम में दिखाएंगे आपको। आश्रम जाना कैंसिल हो गया, पता चला कि आगे बाघ है। तो क्या फाइनली आप लौट के आ गए हैं? बाघ से हार मान ली आपने? नहीं नहीं हमने तो नहीं मानी, आप लोगों ने हार मानी, हम तो कह रहे हैं अभी चलो। तो अभी आप जैसे ऊपर बाघ का तो यहाँ तक आए देते, वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं है वो आश्रम ना, तो फिर बात है या नेक्स्ट टाइम चलो फिर। कोई नेक्स्ट टाइम चलते हैं। ये गौरव भाई आप डर गए क्या इतना? तुम कोई गए नहीं, मैं क्या करता अकेले जाके? आप क्यों डर गए इतना? आपने फुफा जी को मना कर दिया कि नहीं नहीं वापस चलते हैं? ना मैं डरी हूँ, धीरज पांडे डरा है। सारा का सारा श्रेय नहीं जाने का मेरे पास आ रहा है, और मैं तो ब्लॉगिंग करने के लिए जाता, मैं तो बाघ के सामने भी चले जाऊँ, क्योंकि जो है गर्मी महसूस होने लगी ना, तो आप जो है हमारी टोपी भी मेरे ख्याल से सिर से निकालनी पड़ती है लग रहा मुझे। हाँ मैं निकाली थी मैंने, अब बिल्कुल ही हीरो बन चुके हैं। आनंद आ रहा है यहाँ को आपको? नहीं बहुत ही बढ़िया, ठंडी ठंडी हवा चली, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ। और मैं तो कह रहा हूँ दोस्तों आप भी आओ कभी यहाँ, आपकी सैर कराएंगे है नहीं, और यहाँ का व्यू कितना सुंदर है दिखाएंगे आपको। यहाँ पर तरह तरह के पेड़ हैं, ये देखिए बांज बुरांस है नहीं, और तो आइए यहाँ का आनंद लीजिए कभी। वो फॉरेस्ट वाले एरिया में जा रहे थे ना, अब मेरे को हमें यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा घूमने ना। अच्छा किनका है प्लॉट ये? हमारे प्रबोध पांडे जी साले का प्लॉट है ये, जो है ये यहाँ से सब ये जंगल लग गया है सामने। बहुत ही बढ़िया लोकेशन में देखिए, लोकेशन में इन्होंने वो ले रखा, पप्पू दा का प्लॉट है। अभी भी आगे दिखाएंगे हम आपको, यहाँ पर ये जंगल की एरिया दिखाते हैं, अभी हम उधर को आगे को बढ़ रहे हैं। चलो बाय बाय, चलो फिर कल मिलते हैं। ओके बाय बाय। तो फाइनली हम पहुंच चुके रूम में, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।